बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। हरे मातरम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बासु इंडियन फार्मिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये सोयाबीन वैरायटी GS 2069 है और ये पूरे लगभग 16 बीघा के पूरे प्लाट में ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो पूरे प्लॉट में एक जैसी एक सेम हाइट की पूरी वैरायटी है। इसकी उम्र लगभग 105 दिन हो, कटकर कटने के लायक हो जाती है, पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और इसकी बोनी की गई थी 1 जुलाई 2022 को और आज है 24 जुलाई 2022। तो ये लगभग 80 और 82 दिनों की फसल आज हो गई और फलियां पकने की तैयारी में हैं। और अभी पौधों के पत्ते पीले लू नहीं हुए हैं, लेकिन अगले 10 से 12 दिनों में पकना शुरू हो जाएगी, पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जैसे ये पत्ते हैं, ये पककर अभी पौधों ने गिराना शुरू कर दिया है क्योंकि फलियां भर चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे फलियों का आकार बढ़ेगा, उसी तरीके से धीरे धीरे प्रत्येक पौधा अपने पत्ते गिराना शुरू कर देगा। और पत्ते गिराना कुछ कुछ पौधों ने शुरू कर दिए हैं, जैसे आपको ये पूरे वीडियो में दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे अब ये अगले अभी जैसे आज ये 82 दिनों की पूरी फसल है, तो अभी 20 से 25 दिन इस वैरायटी में पकने के लिए हैं। तो अगले 20 से 25 दिनों में ये पूरी तरीके से सारे पत्तों को गिरा देगी और फली पककर तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से, ये देखिए जैसे गुच्छे में इस वैरायटी में फलियां आती हैं। और सबसे अच्छी बात इस वैरायटी की ये है कि जैसे कि ये मात्र एक पौधा है, एक पौधे में मेरा अनुमान है कि लगभग 100 फलियां, फलियों से लेकर 200 फलियों तक इस वैरायटी के पौधों में आती हैं। और जैसे ये पूरा प्लॉट है, इस प्लॉट में एक पौधे में सबसे जो कमज़ोर फलियों वाला अगर कोई पौधा है तो उसमें मिनिमम 70 से 80 फलियां हैं। और अधिकतम जो सबसे बेहतरीन पौधा जो है, जिसको स्पेस अच्छा मिला है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, तो उस पौधे में अधिकतम 250 फलियां तक लगी हुई हैं। फलियों में मोस्टली दाने 3 दाने भी हैं। और लगभग परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो मैं 3 दानों की फलियां लगभग 40% हैं और 2 दानों की फलियां लगभग 50% हैं। बाकी 10% फलियां 4 दानों की भी हैं और 15% की लगभग फलियां 1 दाने की भी हैं। तो वैरायटी काफ़ी अच्छी है, इसको हमने इस वर्ष पहली बार इस वैरायटी को लगाया है। तो इसका मुझे पिछले साल का अगर मेरा अनुभव अगर आप जाने तो इस वैरायटी का अनुभव पिछले साल का मेरे पास नहीं है। पहली बार ये वैरायटी लगाई है, वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, फलियां भी अच्छी आई हुई है और पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का रोग इसमें नहीं है, जैसे कि सर्कोसफेरा, वाइट फ्लाई, गर्डल बीटल मामूली मात्रा में आया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। वो गर्डल बीटल का जो इंसेक्ट होता है वो अब नज़र खेत में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी ये मुझे लगी है और अगले आने वाले बरसों में ये बोने लायक वैरायटी है। तो आप देख लीजिए कि पूरे प्लॉट में एक जैसी हाइट पौधों की है और एक जैसी फलियां हैं, अच्छी वैरायटी मैं इसको कह सकता हूं। और मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं सभी किसानों से ये कह सकता हूं कि लॉन्ग वैरायटी की जो सोयाबीन की वैरायटियां हैं, जैसे कि जो वैरायटियां 100 दिन और 120 दिन के आसपास होती हैं, तो उनमें ये 105 दिन की वैरायटी है। 105 दिन में ये मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह पककर तैयार हो जाएगी। तो 100 दिनों की वैरायटियों में GS 2069 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आप लॉन्ग वैरायटी बोना चाहते हैं तो आप GS 2069 पर भरोसा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अच्छा फल आता है, रोग प्रतिरोधी भी है और इसमें येलो मोज़ेक का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है। तो
आप देख रहे हैं ये पूरे प्लॉट में एक जैसी फसल है। ये लगभग 16 बीघा का खेत है, तो 16 बीघा के पूरे खेत में एक जैसी सोयाबीन वैरायटी है। और अभी हवा चलने से आप देख रहे हैं कि पूरी फसल जो है हवा के झोंकों से झूम रही है। और मैं आपको इसकी फलियां दिखाता हूं। ये देखिए, एक पौधे में बहुत सारे कण से इस वैरायटी में चलते हैं। एक पौधा है ये मात्र, ये देखिए, मात्र एक पौधे में इतने सारे ये कण से चले हुए हैं। ये पत्तों से फलियां ढक रही हैं और फिर भी आप देख सकते हैं कितनी सारी फलियां इस पौधे में, एक पौधे में हैं। लगभग इस पौधे में 200 फलियों के आसपास फलियां लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरीके से गुच्छे में ये फलियां आती हैं। तो आप सभी देखते रहिए मेरा चैनल बासु इंडियन फार्मिंग। चैनल को कम से कम जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए किसानों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में आपको वीडियो बनाता रहूँगा। अभी ये सोयाबीन के संबंध में ये वीडियो है। आने वाले दिनों में कृषि यंत्र, ट्रैक्टर्स, सोयाबीन वैरायटियां, गेहूं, चना, धना, सरसों के संबंध में आपको जानकारी देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय राम, जय जय हिंद।